आप संडे को अचानक आपको याद है कि आपको कहीं जाना है और बाल में तेल लगा हो, ओ भाई। और बेली रोड में ऐसा जाम, फिर पता चला आज तो यह यात्रा है, और पूरा भक्तिमय माहौल, बता नहीं सकते हैं। सब कृष्ण के गाने, भगवान श्री कृष्ण के वेशभूषा में डांस, राधा रानी सब बने हुए, इतना प्यारा लग रहा था। और इतनी सारी महिलाएं, वो दृश्य बहुत ही रमणीय था। और ये प्रसाद जो कि सिंटू ने अपने हिस्से का दे दिया, और सब नाच रहे थे, सब अपनी धुन में लगे हुए थे, इतना प्यारा लग रहा था। और हमने भी थोड़ा सा बस कंधा दिया, और फिर वहाँ से फिर क्योंकि जल्दी जल्दी बिहार म्यूज़ियम भी जाना था तो वहाँ से निकल गए। लेकिन इतनी भीड़, इतनी भीड़, पूरा पूरा का पूरा रोड जाम था, और सब एक दूसरे को गीता दे रहे थे और डांस कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। बहुत ही मनोरम ये दृश्य, कैमरे में तो कुछ ज़्यादा कैद नहीं हो पाया, लेकिन ये दृश्य बहुत ही खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था कि रुक के बस देखते रह जाएं। और बहुत सारी महिलाओं की भागीदारी थी इसमें। और फिर जल्दी जल्दी हम बिहार म्यूज़ियम पहुँचे, और मंत्री जी जो जितने भी पद्मश्री हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि आज एक किताब का विमोचन है, जिस किताब के राइटर हमारे अशोक कुमार सिन्हा सर हैं, और ये हमारी मैम हैं जो काफ़ी क्यूट है, और अशोक कुमार सिन्हा सर जो डायरेक्टर हैं बिहार म्यूज़ियम के, उन्होंने एक आज पुस्तक लिखी है जिनके विमोचन में सब आए थे। और ये हमारी NRI फ्रेंड बहुत दिनों के बाद आई है, और अब इंडिया में ही रहेगी। बात ख़त्म ही नहीं हो रही थी, क्या ही बताया जाए, जब दोस्त मिलते हैं ना तो और ज़्यादा बात होने लगती, पता नहीं कौन कौन सी दुनिया की। और इधर हमारे सारे क्राफ्ट के और जितने भी आर्टिस्ट हैं वो हम लोग बैठ के समोसा खाए थे, बट समोसा ठंडा था और ब्रेड पकौड़ा भी, तो काफ़ी, लेकिन मज़ा आता है जब साथ में होना, एक अच्छा वातावरण रहता है तो मज़ा आता है। और फिर हम लोग निकल गए, और मैडम के कारण हमको इतने, मतलब वहाँ से चलते चलते हम लोग इनकम टैक्स बात करते करते आ गए, पता भी नहीं चला। और हम लोग ढूंढ रहे थे चाय अच्छी मिल जाए, फाइनली चाय मिल गई। हमारी दोस्त विदेश से आई है, इनको चाय जो है गर्म चाहिए, और ये भैया जी को बोल रही है कि चाय गर्म चुन रही, अनिशा को चाय ठंडी कर, यादव जी का चाय, यादव जी का चाय। और ये हमारी यादव जी, यादव जी रेसिपी बताइएगा चाय का। पहले तो दूध को हल्का सा अपने पीतल के बर्तन में जला देते हैं, हाँ। फिर उसके बाद इसमें इलायची डालते हैं, पूरा अच्छे से दूध को और बस दिन खत्म, पता ही नहीं चला कैसे दिन खत्म हो गया। पब्लिक रिव्यू और कहाँ पे है भी बता दीजिए, यादव जी का चीज़ का। तारा मंडल खाओ गली के पास में है, जो यहाँ पे बहुत फेमस जगह है, इसको मानते हैं सब, बहुत फेमस जगह है। एक चीज बोलना था कि फेमस जगह मतलब पावन जगह भी है, पावन जगह की बैठने का भी जगह है। और ये बच्चा इतना अच्छा चाय बनाया ना, उम्मीद नहीं था कि हम लोग को इतना अच्छा चाय पीने को मिल जाएगा। भाई यादव जी कमाल कर दिया आज, बस दिन खत्म, कैसे अपने लोगों के साथ दिन का पता ही नहीं चलता। बाय।